हेलो दोस्तों, सो आज के मैड के क्वेश्चन में वील डिस्कस अबाउट जूनो मिशन। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी आया हुआ है, राइट? सो हाउ डज जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले तो आपको जूनो मिशन के बारे में पता होना चाहिए। जे फॉर जूनो, जे फॉर जुपिटर, तो याद रख लो जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में है ये, ठीक है? अब हाउ इट टेल्स अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पहला पॉइंट ओरिजिन, दूसरा पॉइंट एवोल्यूशन। तो ध्यान रखना दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में ना दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप जूनो की वेबसाइट पे जाओ और देख लो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा क्या है, आपको कम्प्लीटली सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जोवन प्लैनेट्स क्या हैं, सोलर सिस्टम की तीनों थ्योरीज क्या है ना, नेब्यूलर थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, राइट? किस तरह से फॉर्मेशन हुई है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर तो आप पीसीएम बैच में हो तो काफ़ी डिटेल में हमने सोलर सिस्टम डिस्कस किया है, सो दिस शुड बी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? इनकेस ऐसा नहीं है तो नो इशूज, आप सोलर सिस्टम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रिवाइज योर सोलर सिस्टम, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे, ठीक है? तो जूनो का बेसिक प्रिंसिपल क्या था, रादर प्रिंसिपल गोल क्या था, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ जुपिटर, राइट? अब हम देखते हैं जुपिटर से हमें अर्थ के बारे में क्या पता लग रहा है। सी, वी नो कि जुपिटर इज द मोस्ट डोमिनेंट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम बारिंग द सन, कि सन सबसे डोमिनेंट है, उसके बाद जुपिटर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जुपिटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट? तो अगर आप एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो आपको पता होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं यहाँ पे। अब एस्ट्रॉयड्स क्यों रह गए हैं, ये प्लैनेट्स क्यों नहीं बने? बिकॉज ये जितना भी सामान है ना यहाँ, इसको जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल ने कर लिया अट्रैक्ट, तो ये सामान आपस में अट्रैक्ट होके एक प्लैनेट नहीं बन पाया, राइट? इस वजह से क्या है, जुपिटर के मास की वजह से इतनी ग्रेविटेशनल पुल है उसकी कि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो अगर हम जुपिटर को पढ़ेंगे, राइट, सो वील ऑल्सो कम टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अदर प्लैनेट्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के साथ क्या हुआ था, सो अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू रिलेट कि बाकी प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में जुपिटर का क्या रोल रहा है। इसको एक दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है कि वेन आई से बाकी प्लैनेट्स ना, तो आपको पता होगा पहले चार प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, नेक्स्ट चार प्लैनेट्स गैसेस प्लैनेट्स हैं, तो ऐसे डिविजन्स क्यों हैं, इनमें इतनी डाइवर्जेंसेस क्यों हैं, ये भी हमें पता लग जाएंगे। तो देख रहे हो, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स इज अ डिफरेंट पॉइंट, एंड द रीजन फॉर डिवर्जेंसेज बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड गैसेस प्लैनेट इज अ डिफरेंट पॉइंट। तो ये दो चीज़ें आपको पता लग रही हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है, अगर आप जुपिटर की कॉम्पोजिशन देखोगे, राइट, सो यू विल सी कि जो जुपिटर की कॉम्पोजिशन है, इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द एक्चुअल नेबुला जिससे सारा सोलर सिस्टम बना है। बेसिकली इनिशियली एक सिंगल मास ही था जिससे सारा सामान बना है, राइट? अब हुआ क्या कि अगर आप जुपिटर की कॉम्पोजिशन को इसकी कॉम्पोजिशन से मिलाओगे तो व्हाट विल हैपन, आप देखोगे इन दोनों की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। सो यू एक्चुअली यू विल कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, जो प्रेजेंटली नहीं पाए जाते। कहने का मतलब क्या, देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। हुआ क्या था, पहले एक सिंपल सा एक नेबुला सा था जिससे सारा सामान बना है। अब मान लो इससे डिफरेंट सामान बन रहा है, कुछ प्लैनेट्स बन रहे हैं। अब मान लो ये पर्टिकुलर प्लैनेट बन रहा है, प्लैनेट्स किससे बने थे, प्लैनेट्स हैड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग। डिगैसिंग में क्या होता है, जितना भी हैवी मटीरियल है प्लैनेट में वो बीच में आ जाता है, साइड साइड पर आ जाती हैं आपकी हल्की वाली गैसेस। इवेंचुअली ये गैसेस जो हैं ये यूनिवर्स की तरफ चली जाती हैं, तो बिल्कुल ये कोर मटेरियल रह जाता है, राइट? तो इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो डिगैसिंग, ठीक है? अब होगा क्या, मान लो इसमें एक्स वाई जेड तीन तरह के एलिमेंट्स थे, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, बट अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब डिगैसिंग हुई तो एक्स वाई जेड में से कोई हैवी मटीरियल था वो यहाँ पे बीच में आ गया, पर जेड जो है वो हल्का मटीरियल था, रादर हल्की गैस थी, सो वो बाहर की तरफ आ गए, इवेंचुअली इट एक्चुअली वेंट इन टू द यूनिवर्स। तो अब इस पर्टिकुलर प्लैनेट में क्या पाया जाता है, सिर्फ एक्स और वाई। इसका मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि जब बना था सामान तब ज़्यादा गैसेस थी, अब प्रेजेंटली डिपेंडिंग अपॉन की अरेंजमेंट कैसे हुई वो सारी गैसेस ना हो, कोई सिमिलर, कोई गैस उसमें से हो, कोई गैस ना हो। पर जुपिटर की अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे, उसकी कॉम्पोजिशन अभी भी इस पर्टिकुलर इनिशियल नेबुला जैसी ही है, राइट? सो इससे हमें ऐसी बहुत सी हैवी एलिमेंट्स के बारे में पता लगेगा जो पहले होते थे पर अब अर्थ के सिस्टम में नहीं है, या रादर किसी भी प्लैनेट के सिस्टम में नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसके रीजंस क्या हैं, ये भी आप पता कर पाओगे। इससे आप अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में पता कर सकते हो कि हैवी एलिमेंट्स क्यों हैं, क्यों नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्योंकि हमें पता है कि अगर जुपिटर डिगैसिंग से बना होता तो कुछ एलिमेंट्स होते जो अब वहाँ नहीं होते, राइट? कुछ एलिमेंट्स होते जेड की तरह जो कहीं और चले गए होते, बट अब क्योंकि जुपिटर की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट
इनिशियल क्लाउड जैसी है, तो आपको ये पता है कि भाई जुपिटर तो डिगैसिंग से नहीं बना है, तो हमें पता लगेगा कि जुपिटर क्यों डिगैसिंग से नहीं बना, अर्थ क्यों डिगैसिंग से बना, इसका भी बेसिक हमें पता लग जाएगा, हमें बेसिक मैकेनिज्म पता लग जाएगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना था, क्यों डिगैसिंग से बना था और क्यों जुपिटर डिगैसिंग से नहीं बन पाया। एक और चीज़ क्या है, जुपिटर में ना बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। बेसिकली क्या है कि जुपिटर में ड्यू टू इट्स कंडीशंस, जुपिटर में जो हाइड्रोजन है दैट हैज़ टर्न्ड इनटू लिक्विड, राइट, एंड विच हैज़ फॉर्म्ड लार्ज ओशंस। ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि क्या अर्थ पे भी ऐसा ही हुआ था, क्या अर्थ का इनिशियल हाइड्रोजन लिक्विड बन के ओशंस की फॉर्मेशन में आ गया, किस तरह हुआ, अर्थ की एटमोस्फेरिक गैसेस ने इनिशियली कैसे रिएक्ट किया, इवेंचुअली कैसे वाटर बनाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी, राइट। अगेन एक और चीज़ हमें क्या पता चलेगी, जायंट प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए थे। ठीक है, जितने भी जायंट प्लैनेट्स हैं जो आपके बाद के गैसेस प्लैनेट्स हैं, दे वर फॉर्म्ड, हाउ दे वर फॉर्म्ड, तो आप देख रहे हो डिफरेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट था कि सोलर सिस्टम कैसे बना, दूसरा पॉइंट था कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस था, ये पता लगेगा। तीसरा क्या कि जायंट प्लैनेट्स बने कैसे, ये भी हमें पता लगेगा। सो दो हमें पॉइंट्स इंटर रिलेटेड लग रहे हैं, पर ये तीनों बहुत ही डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको अगर आप एक पॉइंट में ही कोट कर दो, प्रिज्यूमिंग कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ऐसे ही आंसर करना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कहते हैं जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल हमने पढ़ा है कितना ज़्यादा इनॉर्मस है ना, हमने पढ़ा था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट ही इसलिए बनी कि वहाँ पे जितना भी सामान था उसको जुपिटर ने अट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता लग जाएगा कि जुपिटर जिस तरह से ग्रेविटेशनल पुल जुपिटर की है, क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के बारे में भी जान पाएंगे, रादर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स सन के बारे में हमें और जानकारी मिल गई। क्यों, क्योंकि जुपिटर भी विद इट्स ग्रेविटेशनल पुल अराउंड सन ही मूव कर रहा है। सिंपल था, ओके। ऑरोरा के बारे में आपको पता है, सोलर सिस्टम में पढ़ते हो आप, तो ऑरोरा जो है ये जुपिटर में भी होता है और अर्थ में भी होता है, पर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरोरा एमिशन किसका है, जुपिटर का है। तो वंस वी अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरोरा सिस्टम, तो अर्थ की जो अपना ऑरोरा सिस्टम है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जुपिटर की ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म है। आपको पता है यहाँ पे क्या एक डाउट आना चाहिए था, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की बात हो रही है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल अराउंड सन हम सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मून के साथ क्यों नहीं, वहाँ भी तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल काम कर रही है। तो यस, जिस तरह जुपिटर की ग्रेविटी है, जुपिटर के आसपास मून से, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो अर्थ और मून के रिलेशनशिप के बारे में भी हमें और जानकारी मिलेगी। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 जो जूनो मिशन का डेटा है, दैट विल एनहांस आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट सही है तो दिस शुड बी अ केक वॉक, राइट, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, यू गो बैक एंड रीड द सोलर सिस्टम का टॉपिक ऑल ओवर अगेन। ठीक है, चलो दोस्तों, ओके, बाय बाय।